हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एफिशिएंट बिल्ट एनवायरनमेंट और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। जैसे नाम से ही पता चलता है कि ऐसा बिल्डिंग जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन मिनिमम हो ड्यूरिंग इस कंस्ट्रक्शन एज वेल एज थ्रू आउट द ऑपरेशन ऑफ द पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो अब हम जानेंगे एनर्जी एफिशिएंट बिल्ट एनवायरनमेंट या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होता क्या है। तो जनरली जो बिल्ट एनवायरनमेंट होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एज वेल एज थ्रू आउट द ऑपरेशन, एंड 33% ग्रीन हाउस गैस एमिशन करते हैं, जिसकी वजह से आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर हमको एंश्योर करना है कि हमारे नए बिल्डिंग सस्टेनेबल एंड एनर्जी एफिशिएंट बने, तो ही हम हमारे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को थोड़ा टैकल कर सकते हैं। तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए इट इज़ वेरी एफिशिएंसी दैट आवर बिल्ट एनवायरनमेंट इट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी इकोनॉमी एज वेल एज टू फुलफिल अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर हमको डिफाइन करना है, तो ऐसा बिल्डिंग दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ एनर्जी नीड टू हीटिंग एंड कूलिंग, एंड दिस बिल्डिंग यूजेज लेस एनर्जी टू परफॉर्म द सेम ऑपरेशन एज द बिल्डिंग दैट डू नॉट यूज द एनर्जी एफिशियंट प्रोडक्ट्स या एनर्जी एफिशियंसी। सो ये जो भी कंसिडरेशन है, हमको पूरा डिज़ाइन स्टेज से लेके सिलेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल से लेके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड ऑपरेशन सब स्टेज में हमको अप्लाई करना पड़ेगा। जितना हम बचा सकते हैं एनर्जी को, दैट वी हैव टू ट्राई एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर बिल्डिंग। सो पूरा लाइफ साइकिल हमको ऑब्जर्व करना है एनर्जी एफिशियंट हो। तो उसके लिए हमको बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे पैसिव सोलर डिज़ाइन स्ट्रेटेजी, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करना, ये सब अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इतना ज़रूरी क्यों है बिल्डिंग के लिए कि वो एनर्जी एफिशिएंट हो? सो एनर्जी एफिशिएंट कंजम्पशन इन द बिल्डिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल वेज टू लेसन द डेंट्रीमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अगर हम हमारा जो भी क्लाइमेट चेंज है उसमें अगर हमको फाइट करना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्डिंग के लिए भी उसको अप्लाई करें। और देर आर सर्टन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विच आर ऑब्जर्व बाई पर्टिकुलर ऑक्यूपेंट्स लिविंग इन सिंपल बिल्डिंग, वो भी थोड़े सॉल्व हो सकते हैं। इसकी वजह से हाउस होल्ड एक्सपेंसिस कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी कम होगा, एंड जो भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग होते हैं दैट डिक्रीजेज द इंडोर एयर पोल्यूशन, क्योंकि क्लीनर कंबशन यूज़ करते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एंड बेटर वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल एनर्जी। तो जो भी एयर पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं इन अदर बिल्डिंग्स लाइक अस्थमा, लंग कैंसर, वो भी कम हो जाएंगे। सो हेल्थ आस्पेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज आस्पेक्ट दोनों के लिए एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो व्हाट आर द मेथड्स टू अचीव दिस एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्ट एनवायरनमेंट? सो नियरली जीरो एनर्जी पैसिव बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्डिंग का ओरिएंटेशन, शेप, डिज़ाइन एंड इंटीरियर कलर्स उसको प्रॉपरली चूज कर सकते हैं। मटेरियल सिलेक्शन एंड कंस्ट्रक्शन टेक्निक, उसमें हम एनर्जी एफिशिएंसी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस, सो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर लैंडस्केपिंग, एक्सटीरियर इंसुलेशन, इंसुलेशन मतलब ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम जितना हो सके अंदर थर्मल कम्फर्ट मेंटेन कर सकते हैं, और जितना हो सके उतना एनर्जी का कंजम्पशन कम हो, ऐसा हम इंसुलेशन ट्राई करें फॉर द बिल्डिंग एट वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। देन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे नियरली ज़ीरो एनर्जी पैसिव बिल्डिंग डिज़ाइन। सो उसके अंदर हम सोलर पैसिव स्ट्रेटजीज डिज़ाइन स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सोलर पैसिव स्ट्रेटजीज जो होती है, उसके जो एग्जांपल्स है, सो उसके अंदर हीटिंग कूलिंग दोनों आ सकता है, डे लाइटिंग प्रॉपर हो बिल्डिंग का, प्रोविजन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पैसिव बिल्डिंग डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन भी नहीं होगा, बट जस्ट अगर हमको थोड़ा सोलर की ज्योमेट्री पता हो, लोकल क्लाइमेट कंडीशन पता हो, और थोड़ा प्रॉपर विंडो टेक्नोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम एनर्जी का यूज़ करके हम एनर्जी का बचाव कर सकते हैं। सो इट शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन एज वेल एज प्रोजेक्ट का साइट। अगर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, तो पैसिव कूलिंग डिजाइन हमको करने पड़ेंगे, कूल रहे हमारा घर या हमारा बिल्डिंग। तो उसके लिए जैसे वॉल एंड रूफ का कूलिंग, सोलर रेफ्रिजरेशन, अर्थ वाटर हीट एक्सचेंजर, ये सब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर कोई कोल्ड जोन में रह रहा है, तो उसमें पैसिव हीटिंग डिज़ाइन मतलब हीट गेन करने का हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जैसे एयर हैंडलिंग यूनिट, सन स्पेसिस,
ट्रॉम्बे वॉल, अभी ये इस टाइप का वॉल होता है जो एब्जॉर्ब करता है थर्मल एनर्जी का, एंड देन इनडायरेक्टली इट इज ट्रांसफर टू द लिविंग स्पेस इनसाइड योर होम. तो आपको वहाँ पे थर्मल कंफर्ट मिलेगा कोल्ड एरिया में, मतलब वहाँ पे गर्म रहेगा. सो हीटिंग कूलिंग बोथ कैन बी अप्लाइड विथ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट. सो हियर यू कैन सी दिस, दिस आर द पैसिव डिजाइन विच रिजल्ट्स व्हेन द बिल्डिंग इज क्रिएटेड सिंपली वर्क्स एट इट्स ओन. अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट ये शेड थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, तो समर सन को ब्लॉक कर रहा है, विंटर सन को आने दे रहा है. यहाँ पे भी शेडिंग उसकी वजह से देर इज अ एंट्री ऑफ समर सन दैट इज अवॉइडेड एंड विंटर सन इट इज अलाउड. यहाँ पे जस्ट बाय यूजिंग ट्री वी हैव अवॉइडेड दिस समर सन एंड दिस क्रॉस वेंटिलेशन. सो दीज आर सच सर्टन टेक्निक्स. उसमें हमको कोई बहुत बड़ा एनर्जी कंजम्पशन नहीं चाहिए, बट ड्यू टू इट्स पोजिशन and due to some elements of building itself, we are trying to maintain the thermal comfort inside our house. Jab active design kya hota hai, it uses the equipment to modify the state of building, create energy and comfort. So fans, pumps vagera, yahan pe jaise aap dekh sakte hain ki ye fan ka use kiya gaya hai, yahan pe exhaust fan ka use kiya gaya hai to maintain the proper thermal comfort inside your house. So active and passive both designs that can be installed, but we are talking about passive right now. So passive matlab usme energy ka consumption bahut hi kam hoga, that is very essential for energy efficient building. Next is building orientation. Bahut hi important hai, shape kya hai, design kya hai, interior colors aap kya use kar rahe ho. So normally jo longer facing jo wall hoti hai ya longer face of the wall hota hai, generally north south direction mein hona chahiye, taki kya ho agar hum jaise dekhe ki east mein se सुबह आपका सनराइज आता है, तो अगर आपका शॉर्टर साइड यहाँ पे है तो पूरा घर आपका गर्म रहेगा, और शाम को वेस्ट में से सोलर एनर्जी आती है तो पूरा शाम को वहाँ पे गर्मी रहेगा, तो थ्रू आउट वहाँ पे गर्मी ही रहने वाला है, तो आपको एसी वगैरह चलाना पड़ेगा. बट लॉन्गर साइड रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा आपका ये जो थर्मल कंफर्ट है वो प्रॉपर मेंटेन होगा. प्रॉपर लोकेशन, साइज, शेडिंग, कलर्स आपने क्या यूज़ किए हैं, सो लो एनर्जी डिमांड के कलर्स आप यूज़ कर रहे हैं. अगर आप ब्लैक बहुत ही डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं तो वो सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द सोलर पाथ एंड कैसे ब्रीज कहाँ से आता है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ, यहाँ पे लॉन्गर साइड है, ईस्ट वेस्ट पे शॉर्टर साइड है, सिमिलर टू दिस. एंड ये दिस साउथ वेस्ट पोजिशन, यहाँ से मैक्सिमम ब्रीज आता है, तो ये स्लीपिंग एरिया वहाँ पे हो. और इस हिसाब से हमारे जो भी बिल्डिंग के जो क्राइटेरिया होते हैं दैट गाइड्स कि कैसे प्रॉपरली हम हीट गेन एंड कूलिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, वो हमको ऑब्जर्व करना है तो हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ लो एम्बॉडीड एनर्जी बिल्डिंग मटेरियल. जितना हो सके इतना मिनिमाइज द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड दोज विच आर रिसाइकल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, उसको मैक्सिमाइज करो थ्रू एफिशिएंट इंजीनियरिंग डिजाइन प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अवर बिल्डिंग. सो अगर हम इफेक्टिवली रिसाइकल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन डेब्रिस को, देन दैट इज़ वेरी गुड. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड टू हैव अ एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग. एम्बॉडीड एनर्जी होता क्या है? इट इज़ द एनर्जी यूज बाई ऑल द प्रोसेसेस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग. मतलब अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम जब स्टार्ट से लेके एंड तक जब हम यूज़ करते हैं तब तक कितना एनर्जी यूज हुआ वो सब हमको काउंट करना है, जिसे बोला जाता है एम्बॉडीड एनर्जी. तो जितना एम्बॉडीड एनर्जी कम होगा मटेरियल में और वो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करेंगे तो हमारा एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगा. तो सम एग्जांपल ऑफ लो एम्बॉडीड एनर्जी कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर फ्लाई ऐश ब्रिक्स. फ्लाई ऐश का ब्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, फाइबर रिइंफोर्स्ड ब्रिक यूज़ कर रहे हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, स्टेबिलाइज्ड एडोब ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज सीमेंट रिप्लेसमेंट मटेरियल लाइक सिलिका फ्यूम, स्लैग, फ्लाई ऐश. मतलब सीमेंट को रिप्लेस करके थोड़ा परसेंटेज हम कंक्रीट बना रहे हैं. तो ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो लो एम्बॉडीड एनर्जी बिल्डिंग मटेरियल में आते हैं क्योंकि उनका एनर्जी कंजम्पशन कम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश मटेरियल. एंड नावाडेज कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्रेफरिंग दिस एंड बिकमिंग वाइडली पॉपुलर ऑल्सो. सो मैक्सिमाइज द यूज ऑफ रीयूजेबल, रिन्यूएबल, सस्टेनेबली मैनेज्ड एंड बायो बेस्ड मटेरियल टू ऑल्सो मिनिमाइज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. मतलब दोनों में वो फायदा मिलता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं तो वो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी फायदा है और एनर्जी एफिशिएंसी में भी फायदा है.
सो फ्लाइज जो थर्मल पावर प्लांट का बाई प्रोडक्ट है उसको हम ब्रिक्स सीमेंट एंड कॉन्क्रीट में यूज़ कर सकते हैं. सिलिका फ्यूम, कोकोनट हस्क, बगास एस, मार्बल डस्ट, वेस्ट ग्लास, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम ग्रीन कॉन्क्रीट बना सकते हैं. एंड वुड सब्स्टिट्यूट्स लाइक पार्टिकल बोर्ड्स, ब्लैक बोर्ड्स, पीवीसी, जिप्सन बोर्ड्स, ये सब का हम यूज़ कर सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल रेड ब्रिक्स वी कैन गो फॉर द फ्लाइज ब्रिक विच इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट. एंड वही फ्लाइज हम कॉन्क्रीट में यूज़ करके ग्रीन कॉन्क्रीट बना सकते हैं. सो दैट इज एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग मटेरियल. नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट एप्लीकेशन. अगर हमने एनर्जी एफिशिएंट करना है बिल्डिंग को और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो हमको एनर्जी कंजम्पशन कम करना है. सो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे जाते हैं, जैसे सोलर वाटर हीटर लगा दिया, छोटा विंड टर्बाइन प्लांट लगा दिया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमने लगा दिया, तो उससे क्या होगा, ऑपरेशन में जो एनर्जी कंजम्पशन होता है बिल्डिंग का वो कम हो जाएगा. अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, बायोफ्यूल, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं. रूफ़ और फैसेड्स में हम सूटेबल मटेरियल जैसे कि सोलर थर्मल कलेक्टर, फोटोवोल्टिक पैनल्स, वो सब हम लगा सकते हैं. देन रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर्स ग्रेट एडवांटेज एज कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो आता ही है, हमारा कंजम्पशन कम हो जाएगा, बिल कम आएगा, सस्टेनेबिलिटी मिलता है एंड सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन एडिशन टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड लॉन्ग लाइफ फॉर द एनर्जी सिस्टम. एंड उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है लाइक ऑयल, गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये सब का जो है वो कंजम्पशन कम होगा. तो उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. सो दिस सोलर पैनल, देन दिस विंड एनर्जी, देन यूज ऑफ जियो थर्मल एनर्जी, वी कैन जनरेट एनर्जी एंड वी कैन सेव द एनर्जी विच इज़ जनरेटेड यूजिंग कन्वेंशनल मैथड्स ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल. नेक्स्ट इज लैंडस्केपिंग. लैंडस्केपिंग करके भी हम डायरेक्ट जो सन होता है जो बिल्डिंग के ऊपर गिरता है और गर्मी पैदा करता है उसको हम कम कर सकते हैं. वो डिफरेंट एयर फ्लो पैटर्न क्रिएट करता है एंड नेचुरल शेडिंग प्रोवाइड करता है. जैसे आपके घर पे गार्डन है तो उससे इंडोर हमारा घर का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहता है. नाउ हियर यू कैन सी ऑल ओवर दिस इज द बिल्डिंग एंड दिस इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो नॉर्मली ये डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कूल ब्रीज का डायरेक्शन माना जाता है. तो यहाँ पे आपने पेड़ नहीं लगाया है, यहाँ पे ऑल ओवर दिस देर इज अ लैंडस्केप. यहाँ पे डेसीडियस ट्री है, यहाँ पे एवरग्रीन ट्री है. सो और यहाँ पे लो श्रब्स मतलब छोटे छोटे प्लांट्स लगाए गए हैं. इससे क्या होगा कि समर सन को वो अवॉइड करेगा और विंटर सन को वो आने देगा और कूल ब्रीज को भी वो अवॉइड नहीं करेगा. तो यहाँ पे डेसीडियस ट्रीज दिखाया है जो वार्म बिल्डिंग है इन विंटर, तो उसको विंटर के अंदर बिल्डिंग को वार्म रखेगा और वही डेसीडियस ट्री प्रोवाइड द शेड्स इन द समर. क्योंकि डेसीडियस ट्रीज क्या होता है, जब हमारा विंटर आता है तब उसके पत्ते गिर जाते हैं, उसकी वजह से अंदर सोलर एनर्जी आ सकता है. मींस विंटर में वो वार्म रखेगा और समर में वो कूल रखेगा. एंड दिस लैंडस्केप दैट विल प्रोवाइड गुड टेम्परेचर डिफरेंस इनसाइड योर हाउस एज कम्पेयर टू आउटसाइड. देन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स. मैक्सिमम जो एनर्जी यूज़ होता है बिल्डिंग में वो लाइटिंग, कूलिंग एंड हीटिंग के लिए यूज़ होता है. तो हम जितना हो सके नेचुरल लाइटिंग का यूज़ करें. मिनिमम ग्लास ऑन ईस्ट एंड वेस्ट, क्योंकि ईस्ट एंड वेस्ट का मैंने जैसे बताया कि सुबह ईस्ट से लाइट आएगा तो सोलर गेन होगा, शाम को वेस्ट से आएगा. सो अगर हम मिनिमम ग्लास उस डायरेक्शन में प्रोवाइड करें तो हमारा हीट गेन कम होगा. फिर बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट है लाइक एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, एलईडी, सीएफएल, स्टार रेटेड प्रोडक्ट्स, वेरिएबल स्पीड पंप्स, मोटर्स, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, सब हम अगर यूज़ करते तो एनर्जी बचा सकते हैं. एंड स्टार अप्रूव्ड फ्लोरोसेंट बल्ब्स आर हाईली डिजायरेबल बिकॉज दे आर मोर ड्यूरेबल. एक तो ड्यूरेबल होते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी 75% कम होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल बल्ब. मोर ओवर यूजिंग ए लाइटिंग कंट्रोल मैकेनिज्म इम्प्रूव द एनर्जी एफिशिएंसी बिकॉज क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ कर देंगे लाइट एंड एलिमिनेट्स द वेस्ट ऑफ एनर्जी. मतलब हमको अपने आप जब भी अगर कोई इंसान अंदर नहीं है तो सेंस करके टर्न ऑफ कर देगा. ऑल्सो थर्मोसेट टू रेगुलेट द हीटिंग वाटर एंड रूम टेम्परेचर. यू कैन यूटिलाइज एक्सटीरियर
इंसुलेशन, इंसुलेटेड मटेरियल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनर्जी एफिशिएंट होम फीचर्स जिसमें 5-स्टार एनर्जी अप्लायंसेस यूज़ किए गए हैं ताकि एनर्जी का कंजम्पशन कम हो। एक्सटर्नल लूअर, यहाँ पे लूअर्स बनाए गए हैं ताकि आपका शेडिंग मिले। देन रूफ के अंदर रिफ्लेक्टिव पेंट यूज़ किए गए ताकि हमारा जो भी सोलर एनर्जी है वो गेन ना होके रिफ्लेक्ट हो जाए। देन एलईडी लाइट्स, देन ल्यूअर एयर वेंटिलेशन एवरीवेयर इट इज़ प्रोवाइडेड, नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन किया गया है। देन डे लाइटिंग प्रॉपर मिले ऐसा अरेंजमेंट किया गया है थ्रू दिस विंडोज। देन नेचुरल ल्यूअर्स ऑल ओवर दिस। देन दिस एएसी ब्रेक, टिम्बर इंसुलेशन वो सब प्रोवाइड किया गया है। विंडोज़ भी जो है वो प्रॉपरली डबल ग्लेजिंग प्रोवाइड किया गया है ताकि वहाँ पे सोलर हीट गेन ना हो। प्लांट ग्रीन, ग्रीनरीज ऑल ओवर। सो दिस आर सम फीचर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन सम बिल्डिंग। सो हियर ऑल्सो सिमिलर थिंग, दिस सोलर पीवी सिस्टम टू जनरेट द एनर्जी, ड्यूअल फ्लश टॉयलेट सिस्टम, उसकी वजह से पानी का कंजम्पशन कम होता है। देन हॉट वाटर रिसर्कुलेशन, देन हाई एफिशिएंसी वाटर हीटिंग सिस्टम, देन स्टार रेटेड अप्लायंसेस, देन एनर्जी एफिशिएंट हीलिंग हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम, गर्मी और सर्दी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल टर्बाइन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, देन एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, नेचुरल लैंडस्केपिंग, देन कंपोस्टिंग, देन ग्रे वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम। सो ये सब करके देर आर सो मेनी वेज इन विच वी कैन सेव द एनर्जी by applying all this technique, and it will make the building energy efficient. So here also one of the picture that you can refer. So by applying at each and every component of our building in different terms, we can make our building energy efficient. And zero energy building का मतलब ये होता है कि जितना भी energy consumption हमारे building का है उतना हम generate कर पा रहे हैं, कोई भी external source का हमको जरूरत लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बन जाता है net zero energy building. So this is net zero energy building for green technology. उसमें भी यही सब provisions जो मैंने discuss किए वही सब provide किए गए। So in exam you can draw such kind of figure in which you can show all these components, how they make particular house or home energy efficient. So these are the references that I have used. So I hope that ये lecture आपको useful हुआ होगा, तो please like करें, share with other students also, comment भी कर सकते हैं, please subscribe my channel अगर आपने नहीं की है तो। Thank you.